सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसी की अपडेट यहां पर लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरह से यहां पे अप्लाई कर पाओगे एंड यहां पे किस तरह की यहां पे आप जॉब वैकेंसी निकल कर आ रही हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को जो है लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई हैं, वेरियस ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पे आउट करी गई हैं। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो अभी आप सब लोग जानते हैं कि जिंदल स्टील कंपनी जो है काफ़ी सारे स्टील के प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। तो अब हम इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। तो कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, देन क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जो है टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के ज्वाइन भी कर लेना, वहाँ पर भी मैं जॉब की अपडेट दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बेस डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, न्यू जॉब वैकेंसी इन 2022 जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी की तरफ से न्यू जॉब वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट आउट किया गया है। और यहाँ पे आपको पूरा विवरण देखने को मिल जाएगा, जिंदल स्टील एंड पावर जॉब रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1203 यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं। अगर आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा विवरण भी देखने को मिल जाएगा कि आपको किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है एंड यहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या एज लिमिट रखी गई है, सब कुछ आपको प्रक्रिया यहाँ पे भी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो जिंदल स्टील कंपनी रिक्रूटमेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन 2022। और यहाँ पे सबसे पहले हम दोस्तों बात करें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे देख सकते हो जिंदल स्टील एंड पावर एक जो है लिमिटेड कंपनी है जो कि स्टील वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पे जो है बात करी जाए अप्लाई मोड की, तो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई मोड जो रहेगा टू ऑल द कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं उम्मीदवार हैं उसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से ऑनलाइन को फॉर्म को भरना होगा। देख सकते हो यहाँ पे थ्रो ऑनलाइन के बेस पे भरना होगा, चाहे आप महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए यहाँ पे आवेदन चालू हैं। यहाँ पे दोस्तों जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी की तरफ से टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि 1203 टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ चुकी हैं। बात करें यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है यहाँ पे निकल कर आ चुकी हैं। अगर आप इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे तो आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी डिटेल्स को देख लेना है, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हु कैन अप्लाई, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो जो कि बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे देख सकते हो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही उम्मीदवार जो है अप्लाई हैं कर पाएंगे और एलिजिबल हैं, ठीक है, अप्लाई करने के लिए भी। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी तरफ से एज लिमिट के बारे में जो निकाली गई है, एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम आपकी आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए एंड मैक्सिमम आपकी आयु जो देख सकते हो यहाँ पे 35 ईयर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग भी होना अनिवार्य है। और यहाँ पे जो बात करें दोस्तों यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, तो सैलरी दोस्तों आपको जो यहाँ पे आपके पोस्ट और कंपनी के रूल्स के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। जिस प्रकार की आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपकी पोस्ट होगी, उसी प्रकार यहाँ पे भी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नील रखा गया है, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए भी नील है, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी नील रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन विगेन जो कि स्टार्ट हुई हैं 1/6/2022 को स्टार्ट हो गई हैं, लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की देख सकते हो 30/6/2022 रखी गई है और कंप्लीट फॉर्म की भी यहाँ पे 30/6/2022 रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे बात करें हम हाउ टू अप्लाई की, तो अप्लाई आपको कैसे करना होगा वो भी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। और कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको आना है गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑनलाइन जॉब तक, ठीक है। ऑनलाइन जॉब तक आप जैसे सर्च करोगे यहाँ पे आपको बड़े बड़े में दिख जाएगा फर्स्ट टैब पर ही ऑनलाइन जॉब तक, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पर ही आपको देखने को मिलेगा जिंदल स्टील एंड पावर जॉब रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है। अगर ये जो आपको यहाँ पे भी देखने को ना भी मिले ना, तो यहाँ पे आपको डाल देना जिंदल स्टील एंड पावर, और ये डालने के बाद आपको सर्च करोगे तब भी यहाँ पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए अप्लाई करने के लिए आपको पहले तो सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पे पहले पढ़ लेना है, सारी की सारी रीड कर लेना है, क्योंकि आपको कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है, पूरी डिटेल्स को आप पढ़ लेना। उसके बाद में आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे,
स्क्रॉल करते करते यहाँ पे आपको लिंक्स दिखाई दे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का, यहाँ पे आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का मिल जाएगा। ठीक है, आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देन यहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे काफ़ी सारी पोस्ट जो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेना है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद में ही आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको पूरी बहुत सारी जॉब्स की ओपनिंग है वो आप पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसी तरह से आपको पूरा फॉर्म को फिलअप कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी। पूरे फॉर्म को फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम को अटैच कर लेना है। देन उसके बाद में सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।